नमस्कार, साहित्यिकी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में आज हमारी चर्चा का विषय है बाल साहित्य की दशा और दिशा, और इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बाल साहित्य समीक्षक अशोक कुमार मिश्र जी और साहित्यकार शशि भूषण बडोनी जी। तो मिश्र जी और बडोनी जी, आप दोनों का दूरदर्शन स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और बातचीत की शुरुआत अशोक कुमार मिश्र जी, मैं आपसे करता हूँ। और पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो बाल साहित्य की वर्तमान जो दशा दिशा है, उसको आप किस रूप में देखते हैं? जो अध्ययन है, जो पत्रिकाओं की स्थिति है, जो समग्र बाल साहित्य हमारे पास मौजूद आज की तारीख में है, उस पर आपकी टिप्पणी। तो अगर बाल साहित्य की वर्तमान दशा दिशा देखें तो यह उज्ज्वल है और सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है। बहुत अच्छा। हम देखते हैं कि अभी जो पत्रिकाएं आ रही हैं उनमें नंदन है, चंपक है, बाल भारती है, चकमक है, साइकिल है, प्लूटो है। ये पत्रिकाएं बाज़ार में लगभग हर छोटे बड़े बाज़ारों में जो पुस्तकों की दुकान है और इस तरह के जहां भी स्टॉल हैं वहां पर उपलब्ध हैं। और इनकी उपलब्धता और हर महीने इनके हर संस्करण का आना ये बताता है कि इनकी ख़रीदारी भी हो रही है, लोग इन्हें पढ़ रहे हैं। जी, बच्चों से जब चर्चा करते हैं तो ये पाते हैं कि उन्होंने किस पत्रिका में क्या पढ़ा है और उसके बारे में बता पाते हैं। जी, अगर लेखकों की दृष्टि से देखें तो मनोहर चमोली मनु हैं, दिविक रमेश हैं, रमेश तैलंग हैं, जाकिर अली रजनीश हैं और मुकेश नोटियाल जी। इस जो आज के समय में इन लोगों की निरंतर लेखनी चल रही है और तमाम पत्र पत्रिकाओं में इनके इनकी कहानियाँ, इनकी कविताएँ, बाल नाटक प्रकाशित हो रहे हैं। साथ ही हम ये देखते हैं कि अखबारों में भी बच्चों का कोना या बच्चों की बातें, इस तरह करके उन्होंने भी अपनी एक अस्थायी जगह बना ली है। तो निश्चित रूप से इनका पाठक वर्ग बढ़ा है और पाठक वर्ग की रुचि ही है जो इन्हें इस स्थान देने के लिए मजबूर करती है या प्रेरित करती है। जी, तो इस प्रकार हम देखते हैं। और दूसरे ये है कि जो वयस्कों के लिए पत्रिकाएं थीं, यानी जिन्हें बड़े लोग पढ़ते थे, जिसमें आजकल था और हंस है और इस प्रकार की दूसरी जो पत्रिकाएं हैं, वे भी वर्ष भर में एक बार, चाहे बाल साहित्य पर केंद्रित उनके कोई लेख हों और चाहे विशेषांक हों, ये निकल रहे हैं। दूसरे, नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो पूरे देश में बच्चों की किताबें, बच्चों के लिए कहानियाँ, उपन्यास बहुत भारी मात्रा में प्रकाशित कर रहा है और सरकार की नीति भी इसको लेकर के बदली है। जी। और यह जोड़ करके देखा जा रहा है कि बाल साहित्य बच्चों की शिक्षा के लिए, उनके सीखने के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो इस दृष्टि से तमाम विद्यालयों में पुस्तकें सरकार भी खरीद कर भेज रही है और कुछ संगठनों ने चलते फिरते पुस्तकालय भी इसके लिए रखे हैं कि जिनमें बच्चों को पढ़ने के अवसर मिले, उनको पत्र पत्रिकाएं उपलब्ध हों, किताबें उपलब्ध हों। तो इस प्रकार अगर प्रसार की दृष्टि से देखें, प्रकाशन की दृष्टि से देखें, लेखन की दृष्टि से देखें, तो 21वीं सदी बाल साहित्य के लिए ये बहुत ही गौरवपूर्ण और इसका उज्ज्वल एक भविष्य है। अशोक कुमार मिश्र जी, आपसे बातचीत करके आपका जो शुरुआती आपकी जो टिप्पणी है वो बड़ी उत्साहजनक है, क्योंकि जब हम खासकर हिंदी पट्टी में साहित्य पर विमर्श करने जाते हैं तो पहला जो हमारे पास पहली जो चिंता आती है वो पाठकीय संकट की बात होती है। लेकिन आपका बहुत बड़ा क्षेत्र है काम करने का और बाल साहित्य की दिशा में आप लगातार सक्रिय रहे हैं, तो आपके स्तर से जब ये टिप्पणी आ रही है कि आपको ठीक ठाक परिवेश नज़र आ रहा है, तो हमारे अंतस में भी एक उम्मीद जगती है। लेकिन आपकी ही बातचीत को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मैं शशि भूषण बडोनी जी आपके पास आ रहा हूँ, और मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरफ अभी मिश्र जी संकेत कर रहे थे कि प्रकाशक लगातार पत्रिकाएं छाप रहे हैं, अखबारों में आपने कहा कि बच्चों का कोना और बाल साहित्य को जगह मिल रही है, लेकिन मिश्र जी वहीं पर हम देखते हैं कि हमारे समय में चंदा मामा, पराग
और नंदन बालहंस, इस तरह की कुछ बहुत महत्वपूर्ण पत्रिकाएं आती थी, जो कि मुझे अच्छी तरह याद है कि दुर्गम और दूरस्थ इलाकों में भी बुक स्टॉल पर उपलब्ध हो जाती थी। अब वो पत्रिकाएं छप नहीं रही हैं। तो बड़ोनी जी, आप हम लोगों का परिवेश सबका एक जैसा रहा, दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग रहे, वो जो दौर था और जो आज का दौर है, बाल साहित्य की दृष्टि से इसको आप कैसे देखते हैं? क्या हमने पाया है, क्या हमने खोया है इस दरमियान, इस पर आपकी टिप्पणी। बाल साहित्य की जो पत्रिकाएं पहले, जैसे आपने बताया जी, कि बहुतायत में छपती थी और उनकी उपलब्धता भी थी जी, उपलब्ध भी हो जाती थी जी, जैसे कि चन्ना मामा है, नंदन बालहंस वगैरह जी। और आज से मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि बहुत पहले, जैसे आपने कहा 85 साल पहले, पत्रिकाओं का, बाल साहित्य की पत्रिकाओं का स्तर भी बहुत अच्छा था जी। और उनमें, लेकिन वही था कि उपलब्ध नहीं हो पाती थी। उपलब्ध मतलब बच्चों को दूरस्थ क्षेत्रों में, जैसे आपने कहा जी जी, दूरस्थ क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं हो पाती थी जी। वैसे उनका जो विषय वस्तु है, हाँ, आज के जो बाल साहित्य है उसका विषय वस्तु काफ़ी बदल गया है जी। उसकी पहले के अपेक्षा आज जो बाल साहित्य लिखा जा रहा है उसमें राजा रानियाँ या राक्षस या परियों की कहानियाँ इस तरह के नहीं है, मतलब जैसे कि पहले था, विज्ञान केंद्रित ज़्यादा है। लेकिन उपलब्ध भी अब कई प्रकाशन, अब देखिए आप नंदन बंद हो गई है, नंदन जो है इधर प्रकाशन जो अच्छे जो निकल रही थी पत्रिकाएं वो धीरे धीरे बंद हो रही है, नंदन इधर स्थगित हो गई है, मतलब जो है जी, पराग उससे पहले बंद हो गई थी, पराग उससे पहले बंद, इस तरह से धीरे धीरे पत्रिकाएं बंद हो रही हैं। भले ही अब कुछ नई पत्रिकाएं भी आई हैं, जैसे आपने कहा चकमक है और ये साइकिल है, प्लूटो है, एक पायस करके ऑनलाइन वो ई पत्रिका है, ई पत्रिका है पायस, कुछ अब ई संस्करण ज़्यादा आने लगे जी जी, लेकिन वो बच्चों के लिए उपलब्ध नहीं है जी। मतलब जो जैसे ग्रामीण बच्चे हैं तो वहाँ जो है उस तरह का ई संस्करण उपलब्ध नहीं है जी। तो इस तरह से मतलब बाल साहित्य का धीरे धीरे, मैं तो समझता हूँ कि पहले की अपेक्षा अब धीरे धीरे मतलब वो उसका कम होता जा रहा है, प्रकाशन स्थगित हो रहा है, धीरे धीरे पत्रिकाएं बंद हो रही हैं। भले ही कुछ लघु पत्रिकाएं हैं जो निकल रही हैं, जैसे एक कुछ जैसे कि देवपुत्र है, आपने देखा होगा जी, जो स्कूलों में आ रही है, स्कूलों में वो जो देवपुत्र वगैरह स्कूलों में आती हैं, देवपुत्र का हो गया और ये बच्चों का देश है जी, राजस्थान से जो आती है, हाँ, इस तरह की पत्रिकाएं हैं जो लघु पत्रिकाएं हैं, मतलब व्यावसायिक टाइप की नहीं है। और जो व्यावसायिक पत्रिकाएं हैं, जैसे चंपक हो गई, आपने देखा होगा चंपक, नंदन, ये धीरे धीरे बंद हो रही है, जिससे कि उपलब्धता नहीं हो रही है बच्चों। जी जी, बड़ोनी जी, जिस तरफ आप, अब मैं वही कह रहा हूँ कि जब हम साहित्य पे विमर्श करते हैं तो कई तरह के, अशोक कुमार मिश्र जी का जो परिवेश है वो इस तरह का है कि उनको बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं, हम लोगों का क्योंकि उस तरह से परिधि छोटी हो जाती है तो हमको चीज़ें मुश्किल से उपलब्ध हो पाती हैं, उसी हिसाब से हमारी धारणाएं भी तय होती हैं। लेकिन अशोक कुमार मिश्र जी, जिस तरह बड़ोनी जी संकेत कर रहे हैं कि मैं भी महसूस करता हूं कि बहुत अच्छी पत्रिकाएं, और हमको अच्छी तरह याद है कि जब हम बचपन में थे, ये ज़रूर है बड़ोनी जी कि उस समय आर्थिक संकट ज़्यादा थे, अब लोगों के पास उपलब्धता हो गई है, सभी जगह जीवन स्तर बढ़ा है, तो अब एक जो खरीद क्षमता है आपकी वो बढ़ गई है, लेकिन उस दौर में भी अभिभावक बच्चों को पत्रिकाएं, और कम से कम पत्रिकाएं तो उपलब्ध करा के देते थे, चाहे वो जैसे भी दे रहे थे। लेकिन अशोक मिश्र जी, अब हम देखते हैं कि आज के जो बच्चे हैं वो टेक्नोलॉजी ने उनको इस तरह से बना दिया है कि बहुत छोटा बच्चा भी आपको अमूमन फ़ोन पर उलझा हुआ मिल जाता है। वो ठीक है कि उसके पास फ़ोन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे वो इंगेज हो जाता है, वो व्यस्त रहता है,
लेकिन आपको नहीं लगता कि ये साहित्य के लिए एक बड़ा संकट है? और अगर ये संकट है तो ऐसी परिस्थितियों में साहित्य को क्या करना चाहिए, चाहे वो प्रकाशक के स्तर पे हो, लेखक के स्तर पे हो, पाठक के स्तर पे भी हो, कि ये जो हमारे सामने एक संकट आया है कि सारे बच्चे मोबाइल में इंगेज हो गए हैं, इनको हम वापस किताबों की तरफ लाएं, कोई तरीका है? क्योंकि आप इस पर लगातार रिसर्च करते रहे, इसलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। तो इसमें दो तीन बातें हैं। एक तो ये है कि अपने देश में पठन संस्कृति थोड़ी कमज़ोर रही है। अगर हम पौराणिक काल को छोड़ दें कि जब अध्ययन को बहुत महत्व दिया जाता था, हालांकि तब भी मौखिक जो है साहित्य ज़्यादा था, ऋषि मुनि भी जो कहानियाँ सुनाते थे मौखिक होते थे, कथा वाचन होता था, लेकिन फिर भी शास्त्रों का अध्ययन और किताबों का अध्ययन था। हमारे देश में पठनीयता का ये संकट है कि किताबों को पढ़ने का, लाइब्रेरी जाने का, ये हमारे कल्चर में सीधे तौर पे शामिल नहीं है। जी, जबकि विदेशों में हम देखते हैं कि कोई घर बनवाता है तो उनकी उसमें लाइब्रेरी बनवाता है। क्या बात है कि लाइब्रेरी है वहाँ पे, और वो चाहे बड़े से बड़े तानाशाह रहे हों, चाहे बड़े से बड़े नेता रहे हों, उनकी लाइब्रेरी की चर्चा मिलती है उनके जीवन विवरण में जब भी मिलती है। जी, लेकिन हमारे यहाँ बहुत कम लोगों की चर्चा मिलती है कि लाइब्रेरी थी उनके पास। तो इसलिए हमारे यहाँ जो ये पठनीयता का संकट है ये पहले से है, यानी इसमें हम थोड़े संकुचित और सिमटे रहे हैं। जी, तो अब जब हम बात करते हैं कि ये पत्रिकाएं बंद हो रही हैं, तो पत्रिकाओं के बंद होने के पीछे जो पहला कारण है पत्रिकाओं के बंद होने का, अगर उनका बाजार में उनकी मांग रहेगी और उनको लोग खरीदेंगे तो निश्चित रूप से पत्रिकाएं नहीं बंद होंगी। कुछ एक कारण हो सकते हैं कि प्रकाशक समूहों में, प्रकाशनों के अंदर उनके जो मैनेजमेंट है उसके विवाद, या कोई विशेष आर्थिक संकट, या किसी प्रकार का उनके ऊपर कोई मुकदमा होना, वो एक अलग कारण है। लेकिन ये जो सीधा संबंध है वो है बाजार से। जी, अब दूसरी बात ये है कि अगर लोग मुड़े हैं कहीं से, अगर मान लिया कोई जो है वो किसी जगह पे नहीं जाता, कोई चीज़ नहीं खरीदता, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आवश्यकता ख़त्म हो गई है। क्या बात है, बल्कि इसका एक मतलब ये हो सकता है कि उसकी थोड़ी दिशा बदल गई हो, उसकी रुचियों में परिष्कार हो गया हो, बदलाव हो गया हो, और दूसरे जो माध्यम है उसमें भी एक बदलाव आया हो जो उसकी रुचियों से और उसके परिवेश से मेल खाता हो। बहुत बड़ी बात है। तो अब जब हम देखते हैं कि आप स्वयं कहते हैं कि बच्चे मोबाइल पर, लैपटॉप पर, टेलीविजन को, इन सबको ज़्यादा समय दे रहे हैं, तो ज़्यादा, तो एक तो पहले था कि इनका अभाव था, क्योंकि मैंने अपने बचपन में जिस किताब को, जिस टेलीविज़न को जब देखा था, तो तब मैंने एक किताब के आखिरी पृष्ठ पर एक बक्से जैसा कुछ देखा था, और मेरी कल्पना में टेलीविज़न वही था जब तक मैंने टेलीविज़न को सामने नहीं देखा। और अब टेलीविज़न के कई अलग अलग उसके हमारे पास वो हैं, संस्करण हैं। जी, तो ये चीज़ें उपलब्ध नहीं थी। तो एक तो ये है कि कोई जिस तरफ हम जाना चाहते हों उसके अलावा दूसरा मार्ग उपलब्ध ना हो तो एक ही रास्ता बचता है। जी जी जी, ठीक है, बिल्कुल। और अगर दूसरे रास्ते भी हों, उससे ज़्यादा खूबसूरत हों, उससे ज़्यादा रोचक हों, उससे ज़्यादा उनके प्रति लगाव की स्थिति पैदा होती हो, तो निश्चित रूप से ये नहीं कहा जा सकता कि इस रास्ते पर लोग नहीं जाते हैं, इसलिए लोगों के जो गमन पथ था वो अवरुद्ध हो गया है। बल्कि ये कहेंगे कि वह जो है उसका 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 जो उसकी जो दिशा थी वो बदल गई। क्या बात, इस पर मैं आपकी एक बात कहना चाहूँगा। जी जी जी, ज़रूर ज़रूर, बिल्कुल। कि जैसे कि पत्रिकाएँ हैं, बाल पत्रिकाएँ जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कारण भी फर्क पड़ा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कारण भी बाल पत्रिकाओं का और बच्चों का कम रुझान हुआ है, मतलब। तो उसकी वो उसका यह है कि जैसे पत्रिकाओं को इतना आकर्षक बनाना होगा, उनको इतना खूबसूरत बनाना होगा बच्चों के लिए, विशेषकर रंगीन तरह से, और वो विकल्प बन सके, विकल्प बन सके। तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कारण ज़्यादातर जो बच्चे आकर्षित हो रहे हैं उस तरफ, टीवी की तरफ या मोबाइल की तरफ या फिर लैपटॉप वगैरह से, जी जी, कंप्यूटर वगैरह से, लेकिन उसको पत्रिकाओं को बड़ा आकर्षक बनाना होगा। जैसे कि आपने बताया कि चकमक है और ये साइकिल और प्लूटो, इनके स्तर थोड़ा जी
उस तरह के हैं, मतलब यानी थोड़ा बदले हुए से रूप हैं, और लेकिन ये महंगी हैं थोड़ा पत्रिकाएँ, इनका मतलब पहुंच ऐसे बच्चों तक नहीं है जी, 50 रुपये तक उनकी महंगी है। तो ये तो इस तरह का बाल साहित्य मतलब इस तरह का स्तर का है, उसका पेपर भी आपने देखा होगा, बहुत सुंदर है और बड़ा आकर्षक पत्रिकाएँ हैं जी। लेकिन मैं देख रहा था कि साइकिल की जो कीमत है वो एक पत्रिका 125 रुपये की है, साइकिल चकमा का आप बता रहे हैं 50 रुपये की, तो मतलब सामान्य जो पाठक है वो बच्चे हैं वो तो उनकी पहुंच नहीं हो पाई जी। अशोक जी की बात अगर पूरी होती है तो फिर मैं इसी से संदर्भित एक सवाल, तो मैं उसमें इतना कहना चाहता हूँ कि अगर उपाय के रूप में सोचें तो किसी चीज़ के प्रचार प्रसार के लिए या उसे बहुत लोगों तक पहुंचाने के लिए तीन चीज़ें ज़रूरी होती हैं जी। एक तो आवश्यकता और रुचि के अनुरूप लिखा जाए, बिल्कुल, तो एक तो लेखन की स्थिति है जी। दूसरे ये है कि ये पाया गया है कि बच्चे जो है वो बच्चों के बारे में जो बातें कही जाती हैं या उस माहौल की बातें कही जाती हैं उसमें रुचि कम लेते हैं जी, जी। वो बड़ों को समझना चाहते हैं, वो बाहर की दुनिया को समझना चाहते हैं जी, जी। इसलिए ये ज़रूरी नहीं है, जैसे कई बार लोग कहानियां सुनाते हैं तो तुतला के बोलने लगते हैं जी, जी, जी। तो इसको जो बाल साहित्य पर काम करने वाले लोग हैं जो इसमें लगातार सक्रिय हैं उनका ये मानना है कि आप बच्चों के बीच में बच्चे बनना तो सहजता के लिए तो ठीक है, लेकिन कुछ उसी अनुरूप दूसरे काम करने लगना तो उसमें बच्चों की रुचि खत्म हो जाती है, क्योंकि वो तो उनका हिस्सा ही है जी। तो बात यह है कि एक तो जो उसका कंटेंट है, जो विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु को आधुनिकता में भी और दूसरे उनकी रुचि में, दूसरे उसका विस्तार कितना हो, उसमें चित्र किस प्रकार के हों, उसकी भाषा कैसी हो और भाषा के साथ वाक्य विन्यास किस तरह से हो। कई बार बड़ी सहज चीज सहज ढंग से अगर कहा जाता है तो बड़े वाक्य भी पढ़ने में मजा आता है और बच्चे उसे समझ लेते हैं। हालांकि कहा जाता है कि छोटे छोटे वाक्यों में कि जिससे उन्हें जो उसका जो वो कथा आगे बढ़ रही है उन्हें जल्दी जल्दी समझने में मदद करे, चित्र हों जो उसे मदद करते हों, तो एक बात है। दूसरी बात है कि जो लोगों की आर्थिक स्थिति है उसके अनुरूप उपलब्ध कराया जाए, तो ऐसे जो औद्योगिक घराने हैं कि जिनके पास बहुत सारे संसाधन हैं, वे बहुत सारी मदद भी करते हैं सामाजिक कार्यों में, तो वे अगर पुस्तकों के प्रति, बाल साहित्य के प्रति, चूँकि बच्चे देश का भविष्य है, अगर उनके लिए वे अपने कोष खोलते हैं, कुछ व्यवस्था करते हैं, तो महंगी और सस्ती किताबों का मामला है कि किस किताब पे कितना खर्चा होता है। मुझे नहीं लगता कि कोई प्रकाशक केवल कमाने के लिए काम करता होगा, कमाना तो उसका एक तत्व है ही है, लेकिन वो चाहता होगा कि उसका ये काम निरंतर चलता रहे और लोगों तक पहुंचता भी रहे, चूँकि तमाम ऐसे प्रकाशक हैं कि जिनके अपना विचार इस तरह से है कि ये काम करते हैं। तो एक तो ये है कि पहुंचाने के लिए कुछ और लोग सहयोग करें, दूसरे है कि सार्वजनिक पुस्तकालय बनाए जाए, जैसा कि कभी शुरू हुआ था गाँव में पुस्तकालय होने का। तीसरे जो चल पुस्तकालय हैं, जो मोटर पर या रिक्शे पर या कैसे भी, एक मोबाइल पुस्तकालय, इस प्रकार के पुस्तकालय हों। और तीसरी चीज़ें हैं कि स्थानीयता को लेके, कई बार ये होता है कि हिंदी खड़ी बोली में आपने सामग्री उपलब्ध करा दी, लेकिन जो बच्चा अभी शुरुआत कर रहा है वो उसे पढ़ नहीं पा रहा है, उसे समझ नहीं पा रहा है, तो उसकी रुचि आपके पुस्तकालय में फ्री दे, क्योंकि कई बार ये भी देखा गया है कि आप तो, ये भी एक सवाल आता है कि आपने तो उपलब्ध ही करा दिया है लेकिन फिर भी लोग नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि उनकी रुचि का नहीं है। दूसरे और बारीकी में जाते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें जो चित्र बने हैं वह चित्र उन्हें अपने परिवेश के और अपने नहीं लगते जी। तो जब किसी में अपनापन नहीं लगता तो उसमें हमारा लगाव नहीं होता। अभी एक घटना है अफ्रीका की 2014 में, अफ्रीका में एक वहाँ की शिक्षाविद हैं, महिला हैं, तो उन्होंने ये विचार किया कि यहाँ पर जो किताबें हैं इसमें तो अंग्रेजों के चित्र हैं और उनके बच्चों के, उनके सुंदर सुंदर बंगले हैं, जो अफ्रीकी बच्चों के जो है रुचि से और उनकी समझ से, उनके परिवेश से मेल नहीं खाते और अपरिचित हैं वो, तो वो उसमें रुचि नहीं लेते हैं। तो उन्होंने एक निर्णय लिया, सरकार को प्रतिवेदन दिया और किया कि हमारे यहाँ जो पुस्तकें छपेंगी, जो भी साहित्य छपेगा, वो इस तरह से होगा जिसमें अफ्रीकी परिवेश हो, क्या बात, जिसमें यहाँ के बच्चे हों, यहाँ के मकान हों, यहाँ के जानवर हों, यहाँ का वार्तालाप हो, उसका विषय वो हो। तो जो विषय वस्तु हम चुनते हैं वो कितना टचिंग होता है, जो हम कीमत की बात है तो उस कीमत के लिए दूसरे उपाय हैं। तीसरे जो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हम आधुनिकता को नहीं रोक सकते,
हम आगे बढ़ते कदमों को नहीं रोक सकते, हम उसके अनुरूप उपाय कर सकते हैं जी। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो परोस रहा है उसमें कितनी चीज़ें उपयोगी हैं, कितनी चीज़ें बच्चों के लिए हैं, और वो क्या उस पूरे जो भी उसका एक पैरामीटर तय होता है बच्चों के लिए, क्या उसके अनुरूप हैं, तो उससे कुछ लोगों को देखने की ज़रूरत पड़ेगी, उन्हें सुझाव देने की ज़रूरत पड़ेगी, सरकार को उसे देखना पड़ेगा। और तीसरे ये है कि उन संस्थानों की भी अपनी जिम्मेदारी होगी, मीडिया संस्थानों की, कि किस तरह से उसे प्रस्तुत करते हैं। और जहाँ तक लैपटॉप या मोबाइल की बात है, अभी जब इस कोरोना काल में बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा चल रही थी तो ये पाया गया कि केवल 30-40% बच्चों को मोबाइल उपलब्ध हैं, जिनकी संख्या भारत में ज़्यादा है, जो सामान्य जन हैं उनके पास कम उपलब्ध हैं। तो उनकी तो बात ही नहीं हो सकती कि बहुत ज़्यादा मोबाइल में डूबे हुए हैं, ठीक है। तो इसके माने कि मोबाइल में है तो मोबाइल उपलब्ध कराया जाए, सरकार जैसे भी उपलब्ध करा सकती हो, या विद्यालयों में टेलीविज़न लगाए जाएँ, इस प्रकार की व्यवस्था हो, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो सामग्री है उसका उपयोग बच्चों के लिए किया जाए। तो जब पढ़ाई उससे हो सकती है तो पुस्तकों का भी हो सकता है। और दूसरे ये है कि जब किसी चीज़ में हमारी रुचि बनती है तब हम उसके ठौर ठिकाने ढूंढने लगते हैं जी। तो अगर हमारी किसी कहानी में रुचि है तो उसी तरह की कहानियाँ पुस्तकालय में भी ढूंढेंगे, दूसरे सुनेंगे। अशोक जी, आपकी ही इस लंबी टिप्पणी के बाद जो मैं समझ पाया हूँ, हमारे यहाँ हिंदी में, खासकर हिंदी पट्टी में, जब हम बाल साहित्य की बात करते हैं बड़ोनी जी, तो कुछ लेखक हैं जिनको आपने बाल साहित्यकार का दर्जा दे दिया है, और वो बड़े फख्र से घोषित करते हैं कि हम बाल साहित्यकार हैं। एक तो ये शब्द ही ज़रा अजीब सा लगता है कि बाल साहित्यकार, क्या एक बच्चा साहित्यकार है जी। या बच्चों को लिखने वाला बड़ा साहित्यकार है? तो एक तो ये जो कैटेगरी है ये समझ में नहीं आती कि, क्योंकि देखिए बंगला में सभी महत्वपूर्ण साहित्यकारों ने बाल साहित्य लिखा है, किसी ने घोषणा नहीं की कि मैं बाल साहित्यकार हूँ। अंग्रेजी में बहुत सारे लोगों ने, जो बहुत प्रतिष्ठित लेखक रहे हैं, उन्होंने बाल साहित्य लिखा है, किसी ने घोषणा नहीं की। हिंदी में ये स्वघोषित एक नई कैटेगरी बन गई है कि वो बाल साहित्यकार हैं। बड़े जो स्थापित लेखक हैं वो बच्चों के लिए नहीं लिखते हैं, वो कहते हैं कि बच्चों के लिए लिखने, कुछ नाम आपने गिनाए भी हैं, बहुत महत्वपूर्ण नाम हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सवाल ये आता है अशोक जी, आपकी बात से ही मैं इसको निकाल रहा हूँ इस सवाल को, कि आप कहते हैं कि टेलीविज़न के हिसाब से मोबाइल के जो कंटेंट है, खासकर जो हमारे ये कार्टून चैनल्स आजकल आ रहे हैं जिनको बच्चे बहुत देखते हैं, वो भी मोटा माटी कहानियों के हिस्से हैं, बहुत शानदार मनोरंजक कहानियाँ हैं, वो उन कहानियों का प्रस्तुतिकरण इतना शानदार है कि हमारे बच्चे हमारी किताबें छोड़ के उन सीरियल्स को देख रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं वो निर्माताओं की विजय है और हमारी कहीं ना कहीं पराजय है, क्योंकि हम उनको बच्चों की रुचि के अनुरूप नहीं बना पाए। सवाल ये आता है अशोक जी कि जब हम, जिस तरह बड़ोनी जी इशारा कर रहे थे कि परियों की कहानियाँ थी, कुछ राक्षस भी होते थे, कुछ इस तरह से जो मायावी चरित्र होते थे, उनके माध्यम से आप कहानियाँ रचते थे, अब अगर आज आप ये कहानियाँ लिखते हैं तो आपको जो एक हमारा प्रगतिशील समाज है वो कहता है कि आप पुरातनपंथी बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि हमारे बच्चे हैरी पॉटर की पूरी सीरीज पढ़ने को आतुर हैं, तो जेके रोलिंग ने जो लिखा है हैरी पॉटर में भी वो सब मायावी चरित्र हैं। बड़ोनी जी, हिंदी में क्या संकट है, क्या हिंदी में इस तरह का साहित्य क्यों नहीं आता है? हमारे ठीक पड़ोस में रस्किन बॉन्ड है, उनकी किताबें बच्चे से लेकर बड़े तक सब पढ़ते हैं, उसमें भी भूत हैं, उसमें भी, मैं एक प्रेत की कहानी पढ़ रहा था कि वो पीपल के पेड़ पे चढ़ा है, नीचे से जो भी गुजरता है अगर जमाई लेता है तो वो प्रेत उसके अंदर घुस जाता है। वो कहानियाँ पूरे विश्व में पढ़ी जा रही हैं, किसी ने नहीं कहा कि रस्किन बॉन्ड पुरातनपंथी हैं, अंधविश्वासों को बढ़ावा दे रहे हैं। हिंदी में क्या संकट है कि हिंदी में एक खास फॉर्मेट की कहानियाँ आ रही हैं, और जिस तरफ अशोक जी इशारा कर रहे हैं हमारे बच्चे उन किताबों की तरफ जा नहीं रहे हैं, क्या संकट है? आप तो लेखक भी हैं इसलिए आप, वो आप सही कह रहे हैं उसका, जैसे कि मिश्र जी ने अभी बताया जी कि पत्र पत्रिकाओं में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उनका संकट दूसरा है। वो रुचि वाली बात जो आपने बताई वो मुझे बहुत सही लगी कि अगर रुचि है, उस तरफ अगर रुचि है बच्चों की तो वो उसको पढ़ते हैं। जैसे कि आपने कहा कि जेके रोलिंग की हैरी पॉटर है, या फिर जैसे रस्किन बॉन्ड का है, उनका भी साहित्य इस तरह का
सुपर स्टूडियस जिसको सुपर इस तरह का जो होता है उसमें बच्चों की रुचि तो होती है, लेकिन बच्चों की रुचि की बात और है और उनको मानवीय मूल्य देने की बात और है। मानवीय मूल्य जो हैं वो आने चाहिए, मतलब भले ही वो मानवीय मूल्य उसमें भी देते होंगे लेकिन वो दूसरे मानवीय मूल्य जो आने चाहिए उसमें उसका ज़्यादा महत्व मैं समझता हूँ, वो इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से मानवीय मूल्य। इसी पर आपकी टिप्पणी कि साहित्य बच्चे को सिखाने के लिए बहुत संक्षेप में लिखा जाए या उसको पढ़ाने के लिए लिखा जाए, आपकी टिप्पणी। तो दो बातें हैं कि हमारे यहाँ ये प्रचलित भी रहा और विद्यालयों में खासतौर से हम देखते हैं कि जब बच्चों को कोई कहानी सुनाई जाती है तो उनसे अंत में सवाल दाग दिया जाता है कि इससे तुमने क्या सीखा, और हमारी अपेक्षा होती है कि वो कहें कि हमें ईमानदार रहना चाहिए, हमें दूसरों का सहयोग करना चाहिए। तो अगर मानवीय मूल्यों को इस तरह से, अगर कोई कंटेंट जैसे कि पानी धीरे धीरे जो है मिट्टी में सूखता है, जैसे कि धूप धीरे धीरे बदन को लगती है, जैसे हवा धीरे धीरे हमें जो है एक महसूस कराती है वातावरण की स्थिति को, अगर कंटेंट को पढ़ने के बाद सुनने के बाद उस तरह से उसे एहसास होता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपने पूछ लिया तो जैसे ही आप कुछ चीज़ें बड़ी स्टीरियोटाइप की हो गई है, उपदेशात्मक कि जैसे शुरू करते हैं कि एक बार एक बच्चे से हमने कहा कि एक लोमड़ी की कहानी कहते हैं, तो बच्चों ने कहा चतुर लोमड़ी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। अब बच्चों को पहले से पता है कि लोमड़ी चतुर है, गधा मूर्ख है, शेर जो है वो जो है निर्मम है या दुर्दांत है, खरगोश सोया हुआ है। तो जो ये एक प्रकार की छवि हमने बना दी है, इससे क्या है कि जो हम पहुंचाना चाहते हैं वो नहीं पहुंच रहा है। वो किसी भी तरह की कहानी हो अंत में वहीं पे जाके बेताल फिर से उसी डाल पे लटक जाता है जी। तो एक तो ये दिक्कत है, और दूसरी चीज़ ये है कि हम कहते हैं कि ये जो पठनीयता जो ये संकट है ये कैसे दूर हो, तो बात यह है कि बच्चों की रुचि को ध्यान में रख के जो भी लिखा जाता है उसे बच्चों तक उसी रोचक ढंग से पहुंचाया भी जाना चाहिए। ये बड़ी बात है जी। कहानियां कहने का तरीका, कहानियां सुनने के लिए अवसर, और तो ये जो बहुत सारे चीज़ें हैं जी। जैसे कि मैं बचपन में था तो हमारे यहाँ घर के बगल में एक सज्जन रहते थे, उनका ये काम था कि वो शाम को आके कहानियाँ सुनाते थे। तो एक चनैनी एक प्रकार की जो है विधा है लोक गीतों की, तो उसमें वे कहानियाँ कहते थे। उसी समय हमने उनसे रानी सारंगा सदाविरज की कहानियाँ सुनी, उसी समय हमने उनसे बैताल पच्चीसी की कुछ कहानियां सुनी, बाद में हमने किताब लेके पढ़ा, सिंहासन बत्तीसी की कुछ कहानियां पढ़ी जो हमने अशोक बाद जी किताब लेके पढ़ा। ये जिस तरफ आप कह रहे हैं लोक साहित्य के जरिए जो आया वो बड़ा महत्वपूर्ण रहा, और कहीं ना कहीं साहित्य के प्रति नई पीढ़ी के अंदर उसने बड़ी जिज्ञासा भी जगाई। बाल साहित्य बहुत महत्वपूर्ण विषय है, भविष्य का भी सवाल इसमें जुड़ा हुआ है, बहुत लंबी चर्चा हो सकती है लेकिन समय की अपनी सीमा है। बहरहाल अशोक कुमार मिश्र जी और शशिभूषण बडोनी जी, आप दोनों स्टूडियो में आए और इतने महत्वपूर्ण विषय पर आपने इतने शानदार सुझाव दिए, आप दोनों का बहुत बहुत आभार। ये था हमारा आज का साहित्यिकी कार्यक्रम, अगली बार कुछ नए मेहमानों को लेकर किसी नए विषय के साथ आपके बीच आएंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।